हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है हीरोइक ट्रेजिडी तो वीडियो जो है आपको मतलब काफी इजी लैंग्वेज में होगा वीडियो के थ्रू अगर आप लोग का हेल्प होता है आपके सिलेबस का तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा तो जो हम लोग का हीरोइक ट्रेजिडी जो हम लोग का टाइटल है आज का मतलब जो हम लोग को पढ़ना है तो उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं उसको रेस्टोरेशन ट्रेजिडी भी बोलते हैं या फिर हीरोइक प्ले भी बोलते हैं अगर आपको सेम मतलब हीरोइक प्ले आ जाए या रेस्टोरेशन ट्रेजेडी आ जाए तो आप सेम आंसर लिख सकते हो बस थोड़ा सा हर जगह पे आपको हीरोइक एक के बदले रेस्टोरेशन ट्रेजिडी या रेस्टोरेशन ड्रामा करना पड़ेगा

थिएट्रिकल परफॉर्मेंस तो वहाँ थियेटर में कोई भी उस टाइम परफॉर्मेंस होना बंद हो गया था कुछ टाइम प्योरिटन एज में इन लंदन लंदन में एंड दर थिएटर्स वे आर क्लोज और थियेटर को बंद कर दिया गया था विद द रेस्टोरेशन ऑफ प्रिंस चार्ल्स और जब प्रिंस चार्ल्स का मतलब पुनर्स्थापना हुआ जब प्रिंस चार्ल्स आए एज द थ्रोन मतलब चार्ल्स सेकेंड के रूप में थ्रोन गद्दी पे आए द गेट्स ऑफ द लंदन थियेटर वेयर रीओपेन्ड अगेन तो लंदन के थिएटर का गेट्स जो है फिर से रीओपन करवाया गया फिर से खुलवाया गया द री बर्थ कंट्रीब्यूशन मच इन इंग्लिश ड्रामेटिक ट्रेडिशन और यही जो रीबर्थ दोबारा थियेटर का ओपन हुआ तो यहाँ पे ड्रामा का बहुत ज्यादा क्या हुआ ड्रामा के परंपरा को फिर से रिबर्थ ड्रामा की परंपरा का भी रिबर्थ हुआ पुनर्जन्म हुआ द मेन रेस्टोरेशन ड्रामाटिस्ट ड्रामाटिस्ट फॉर्म आर टू मेन जो दो, दो तरह का ड्रामा इस टाइम आया था एक आया था द हीरोइक ट्रेजिडी जिसको कि हम लोग रेस्टोरे, रेस्टोरेशन ट्रेजडी भी बोलते हैं एंड द कॉमेडी ऑफ मैनर्स जिसके जिसको कि हम लोग रेस्टोरेशन कॉमेडी भी बोलते हैं जिसपे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है इस इसपे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है और आज का हम लोग इस पर मतलब डिस्कस करेंगे तो ये दोनों मेनली उस टाइम आया था रेस्टोरेशन पीरियड में ये दोनों फॉर्म आया था हीरोइक ट्रेजेडी आल्सो नोन एज हीरोइक ड्रामा हीरोइक ड्रामा भी कहते हैं और रेस्टोरेशन ट्रेजेडी

पेश कर पाया। पायाजेंट डील विद द रियल वर्ल्ड या रियल वर्ल्ड के बारे में बात नहीं करता या उससे रिलेटेड कुछ भी डील नहीं करता and it, it's problem, और ना, ना तो उसके problem को दिखाता। है rather mechanical world, इसके, इसके बावजूद मतलब बिल्कुल हटके एक मैकेनिकल वर्ल्ड मतलब क्रिएट करता है और इट्स ऑन इन विच जो कि उसका खुद का होता है खुद का होता है इन विच जिसमें कि ऑल द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर

ट्रेजिडी सर विलियम डी एविडेंट के द्वारा लिखा गया था एनपुर पॉपुलराइज बाय ड्राइडन और मेनली जो पॉपुलर किया गया इस टर्म को वो ड्राइडन के द्वारा किया गया मतलब फादर ऑफ अगर पूछा फादर या प्रिंस ऑफ हीरोइक ट्रेजडी तो वो वहां पे जॉन ड्राइडन का नाम आ जाएगा ड्राइडन हिमसेट डिफाइंड हीरोइक ट्रेजिडी ड्राइडन जब है ना हीरोइक ट्रेजिडी के बारे में बात करते हैं एज एन इमिटिएशन ऑफ द हिरोइन पोएम्स ये क्या है एक नकल है इमिटिएशन है पोएम्स का लव एंड करेज वी आर सब्जेक्ट ऑफ द हिरोइन ट्रेजिडी हिरोइन ट्रेजिडी का जो सब्जेक्ट विषय था वो लव एंड करेज होता था अब आगे सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हीरोइक ट्रेजेडी हीरोइक ट्रेजिडी की कुछ विशेषताए हिरोइन ट्रेजिडी हाईली बाय द हीरोइक पोएम्स हीरोइक ट्रेजिडी जो होती थी वो हीरोइक पोएम से प्रभावित होती थी मतलब मेनली बेस्ड होती थी उन्हीं पे दिस प्लेस आल्सो प्रेजेंट सडन टर्म ऑफ द फॉर्च्यून ये इस प्लेस में मतलब तुरंत मतलब सडन टर्म दिखाया गया था कि मतलब तुरंत किसी के भाग्य में बहुत कुछ अच्छा हो जाना है एंड काउस्ड बाय लव ट्रायंगल और इसमें मेनली लव ट्रायंगल को भी दिखाया गया है अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिरोइन ट्रेजिडी इज आर्टिफिशियलिटी आर्टिफिशियलिटी भी एक विशेषता है कि इसमें रियलिटी को नहीं पेश किया जाता है ट्रेजिडी में हिरोइक ट्रेजडी इज रिटर्न इन आयम्बिक पेंटामीटर आयम्बिक पेंटामीटर या हिरोइन कपलेट्स जो सेम चीज है उसमें लिखा गया है ज्यादातर लिखा द हिरो ऑफ ए हिरोइन ट्रेजिडी इज ब्रेव एंड मतलब काफी बहादुर दिखाया जाता है हीरो को क्योंकि वो तो रियलिटी पे बेस्ड है ना स्टोरी तो बहादुरी दिखाया जाएगा एंड हीरोइन इन वर्चुअस एंड फेयर फेयर वर्चुअस और अच्छी दिखाया जाता है कि जो हीरोइन है लड़की है उसका मतलब सीधा साधा सा कैरेक्टर दिखाया जाता है कि काफी अच्छी है वो ऑल दिस फीचर्स ऑफ द हिरोइन ट्रेजिडी और हिरोइन ट्रेजिडी का जो यही सारा फीचर्स है ना बिकेम क्वाइट पॉपुलर उसको पॉपुलर बनाता है एमंग द ऑडियंस ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड रेस्टोरेशन पीरियड के ऑडियंस के बीच अब है आगे मेजर ड्रामाटिस्ट ऑफ द हीरोइक ट्रेजिडी हीरोइक ट्रेजिडी की कुछ मेजर ड्रामाटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है सर विलियम डी एविनेंट जो कि सबसे पहले हैं सबसे पहले है, मतलब हीरोइक ट्रेजिडी को यही लाए थे इट वॉज डी एविनेंट हु विथ हिज द सीज ऑफ रोहट्स सेट अप द फर्स्ट मॉडल ऑफ द हीरोइक ट्रेजिडी मतलब द सीज ऑफ द रोज के साथ वो मतलब फर्स्ट मॉडल हीरो एक ट्रेजिडी का लाए पहली जो स्टोरी थी नॉवेल थी जो डी एविनेंट की जो हिरोइन ट्रेजिडी थी दिस प्ले इज सिग्निफिकेंट इन लिटरेरी हिस्ट्री

ट्रेजिडीज लिख रखे हैं जिनमें से औरंगजेबे औरंगजेब टेरनिक लव ऑल फॉर लव द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रैंड आर बेस्ट ये सारे बेस्ट हैं। द हीरो ऑफ दिस हीरो ट्रेजिडीज हैव ह्यूमन क्वालिटीज उसमें काफी सुपर ह्यूमन क्वालिटीज दिखाया गया है अच्छा अच्छा क्वालिटी देयर इज ए लैक ऑफ पैशन उसमें पैशन की कमी है एंड इमोशन सीन्स इमोशनल सीन्स इन देम और ज्यादा इमोशनल सीन्स नहीं दिखाया गया है इट इज ट्रू यह सत्य है दैट की डायरेन्न टूक टू प्ले राइटिंग की डायरे प्ले राइटिंग चूज किए बिकॉज इट वॉज शॉर्टेस्ट वे टू फेम एंड फॉर्चून पैसा के लिए और फेम के लिए मतलब पैसा भी हो और नाम भी हो उस वो चीज पाने का एक शॉर्टेस्ट तरीका था इस वजह से ड्राइडन प्ले राइटिंग की है अपने करियर में थॉमस आउटवे आउटवे रोड ए नंबर ऑफ हीरोइक ट्रेजिडीज आउटवे भी ढेर सारा हीरो ट्रेजिडीज लिख रखे वेल नोन फॉर हिज टू प्लेस मेनली अपने दो प्लेज के लिए जाने जाते हैं द ऑफेंस एंड द वेनज प्रिजर्व दो प्ले जो है ऑफेंस एंड दैन इज प्रिजर्व द ऑफेंस अनदर नेम द अनहैप्पी मैरिज ऑफेंस जो है कि दूसरा नाम अनहेप्पी मैरिज है इज ए डोमेस्टिक ट्रेजिडी एक डोमेस्टिक ट्रेजिडी है इट इज रिटर्न इन ब्लैंक वर्ष जिस ब्लैंक वर्ष में लिखा गया है दैट उटवे फेमस जिस वजह से आउट वे फेमस हुए वेनिस मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेजडी का स्टेज इन एटीन एक्सटी पे स्टेज परफॉर्म किया गया फिर आगे लाइफ इज द यूजल टेल ऑफ एक्सीडेंट ली का जो लाइफ होता था वो एक्सीडेंट माइस्टीज एंड ड्रंकनेश मेनली सब चीजें बीता है हीरोइक ट्रेजिडी लिख रखे जिसमें से द राइवल्स वीक लेकिन ली का जो प्ले उसमें स्ट्रक्चर को वीक दिखाया गया है निकोलस रॉ निकोलस रॉय वॉज ऑल्सो ए पॉपुलर राइटर ऑफ द हीरोइक ट्रेजिडी ये भी काफी फेमस है राइटर के, के रूप में हिज बेस्ट हीरोइक ट्रेजी ट्रेजिडीज आर उनका जो बेस्ट ट्रेजडीज है वो है टेम्बर कहते हैं रॉज रेपनेबलेंस ऑफ द सम ऑफ इन्स रिजनेबलेंस यानी जो रॉ की जो प्रतिष्ठा है उनके कुछ मतलब सीन्स जो है तर्क संगत जो सीन्स दिखाए हैं उनकी वजह से द एलिगेंस ऑफ इज डिक्शन उनका जो कोई भी मतलब एलिगेंस मतलब बोलने का जो शिष्टता दिखाया गया है उनके प्ले में एंड द स्यूवेटी ऑफ हिस वर्ष और उनके वर्ष में जो मधुरता दिखाया गया है पद में तो वो चीज मेन इनको रेप्यूटेड मतलब इनके रेप्यूटेशन का कारण बनी है प्रतिष्ठा का राव राउ ट्रेजडी आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सी ट्रेजडी राउ ट्रेजडी जो है ना सी ट्रेजडी का बेस्ट एग्जाम्पल था अब सी ट्रेजडी क्या होता है ना ऐसा ट्रेजडी जिसमें मतलब फीमेल पे बेस्ड हो जिसके मेन मतलब फीमेल पे बेस्ड हो तो वो सी ट्रेजडी हो जाता है अल हीरोइक हिरोइन ट्रेजडी रिसीव्ड इट्स शेयर ऑफ क्रिटिक्स हालांकि क्या हुआ हीरोइक ट्रेजिडी को भी अपने हिस्से का क्रिटिक्स यानी आलोचना झेलना ही पड़ा जैसे कोई भी अगर कोई वर्क करता है तो उसको झेलना ही पड़ता है आलोचना क्योंकि अच्छे बुढ़े सब तरीके के लोग आते हैं तो वो आपको जज करेंगे ही तो ये हीरोइक ट्रेजिडी को भी जज किया गया इसकी आलोचना की गई क्रिटिक्स के द्वारा ड्राइडन एंड हिज जेनरे ऑफ हीरोइक प्लेस वी आर मॉक्ड बाय मैनी क्रिटिक्स और बहुत सारे क्रिटिक्स के द्वारा इनका आलोचकों के द्वारा मजाक भी उड़ाया गया डैडन और उनका जो ये टर्म था लिखने का क्रम था हीरोइक ट्रेजिडीज का इस चीज का मजाक भी बनाया गया तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रेस्टोरेशन कॉमेडी का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ